हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी इवनिंग के 4:30 बज रहे हैं और आप लोगों को मैं रेडी दिख रही होंगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी डॉक्टर मतलब डेंटल में, डेंटिस्ट में, क्योंकि बच्चे का पिछले ब्लॉग्स में ही बच्चे को मैंने मतलब डॉक्टर डेंटिस्ट के पास मैं लेकर गई थी, तो वहाँ पे मैंने फिलअप नहीं करवाया। तो यहाँ पे आके मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ पे भी फिलअप करवाना होगा, क्योंकि उसको कल फिर से इसको मतलब दांतों में पेन हुआ था, तो इसलिए अभी तो मतलब करना ही होगा। ऐसा सिचुएशन आ गया है क्योंकि बहुत ही उसका होल हो गया है, ए गुदो, बहुत ही उसका दांतों में होल हो गया है, करना ही होगा इसका भी फिलअप। तो वही अभी हम लोग रेडी होके वही निकल रहे हैं। ज़्यादा ही शाम हो गया, कुछ ज़्यादा ही 4:30 बज गए, तो अभी बच्चे से मिली। अभी दांतों में दर्द है गुदो, नहीं है तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं फिर? डॉक्टर में क्या करना है? दांत सड़ाना है। दांत को और सड़ा देंगे तुम्हारा? नहीं। क्या है तुम्हारे हाथ में ये? पैसा है, पैसा ये। किसने दिया पैसा? मुझे, नाना ने। क्यों दिया? बाइक चलाने वाला देना है इसको। तुम बाइक से नहीं जाओगी तो हम बाइक से थोड़ी ना जाएंगे। अच्छा अपना आउटफिट दिखा दो, आउटफिट दिखाओ अपना, घूम के दिखा दो। गुरु कोई फुनुक दे आउटफिट, यहाँ खोजे यहाँ खोजे। ये वाटर बॉटल, ये मम्मी लोगों ने फिर से बच्ची को ये गिफ्ट दिया है वाटर बॉटल, ये स्कूल में भी लेके जाएगी। बहुत क्यूट है, मिल्टन का है ये वाटर बॉटल, है ना? चाया नींबू आसान से तैसा चाया। तो अभी निकल रहे हैं हम, मेरे जूते में तो पूरा धूल मिट्टी लग गया है, ये नगर में। तो अभी मैं एटीएम से कैश निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कैश खत्म हो गया है। तो अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे एटीएम से निकाल लेते हैं। कोरियन, थोड़ी बहुत कोरियन टाइप का इसका ड्रेस है। चेंज मिला है मुझे इस वो से, इस एटीएम से, नहीं तो चेंज ही नहीं मिलता है ना। रंग क्या उतरा हुआ है, मिट्टी दबा हुआ, कोई बात नहीं, पर चेंज तो मिलता है। ऑटो या चारों तरफ से हवा था। फर्स्ट टाइम बच्ची क्या नाम है रिक्शा में बैठी है। ठीक है रिगू, तुम चल बंद है या खुला है? बंद क्यों लग रहा है? बंद है शायद। ओ माय गॉड। सो गाइस, अभी यहाँ पे ना ये डेंटल क्लिनिक जो है ये अभी बंद है, तो हम सोच रहे हैं कि अभी हम लोग खाने मतलब KFC में जाके टाइम पास करेंगे, क्योंकि कहीं पे तो किसी ना किसी डॉक्टर में तो मुझे दिखा के जाना ही होगा, मतलब किसी भी डेंटिस्ट में, क्योंकि आज मैं इतना आई हूँ, इतना दूर से 1/2 घंटा का रास्ता है हमारा उधर से, तो मुझे दिखा के ही जाना होगा।
तो वही हम किसी भी डेंटिस्ट का हम लोग वेट करेंगे। सब लोग ऐसा शाम को ही खोलते हैं ऐसे 6 इतना बजे, पर हमारा फिर वो जाता है ना घर पहुँचते पहुँचते, सुबह भी बहुत आलसी लगते सुबह भी। तो चलो अभी इसलिए KFC में टाइम पास करने जाते हैं, तब तक कोई डेंटिस्ट खुलता है कि नहीं देखते हैं हम लोग। तो चलो, बादल कितना सुंदर लग रहा है। KFC जाना था, ट्रैफिक जाम सामने पर, ट्रैफिक जाम कहाँ जाते हैं इतने सारे लोग। क्या ले बोल, रोल ले क्या रोल, ये जो इंडियन स्पाइसी वेज कोरियन टेंगी, ये जो बीच वाला न्यू रोल्स में, ये जो बर्गर मिल है इसमें कौन सा वाला है प्राइस, बर्गर मिल का प्राइस ये है 6.18 और वो 2.19 का है। हाँ, अच्छा सिर्फ बर्गर का, तो ठीक है हमको एक बर्गर मिल दे दो और एक ये जो उधर, पहले इधर पेमेंट करना पड़ता है। पहले तो ऐसा नहीं था ना, ऐसा नहीं था, तो पहले से तुम आ रहे हैं ये, और ये है पर यूज नहीं होता था ये। तो ये रहा हमारा ऑर्डर, यहाँ पे भी फ्रेंच फ्राइज है गरम गरम, ये है तंदूरी और ये है गाइस। हम लोग ने फिनिश कर दिया है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना, त्रिपुरा का बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आप ही कह देना, तुमने नहीं बोला पहले, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, आज मैं खा रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छा लगता है। और कोको कोला के साथ भी, और अभी हम बर्गर ख़त्म हो गया है, अभी हम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। इधर रही बच्ची, जिस काम के लिए आए थे वो काम कभी तक हुआ ही नहीं है, और डॉक्टर को भी सब लोग एक्चुअली शाम को ही आते हैं, तो अभी वही अभी बज भी गए हैं 6 बज रहे अभी, तो फ़ोन करना होगा डॉक्टर को आए नहीं आए। और अभी मैं आपको अपने सामने का व्यू दिखा दी हूँ कि कितना सुंदर व्यू है। तो अभी मैं सामने का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये है फर्स्ट फ्लोर, हम लोग ऊपर से ये व्यू देख रहे हैं, है काला है तो थोड़ा थोड़ा मिरर है, मिरर और अंदर से तो ऐसा दिखता है। और इधर मैं बर्गर खा रही है, मेरा तो ख़त्म भी हो गया, इसका ख़त्म नहीं हो रहा है, वीडियो करने के चक्कर में स्टाइल मार मार के खा रही थी और टेस्टी था ना आज सब, टेस्टी था। ए मत निकाल बोला, वो ख़त्म भी हो गया इधर का, सॉस के साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा है, खाली खाली फ्रेंच फ्राइज अच्छा लग रहा है। खा पी लिया हम लोगों ने, अभी हम निकल रहे हैं, और हमको दूसरा हमको डेंटिस्ट मिला है। एक्चुअली मेरा हस्बैंड उसी के पास ही जाने के लिए बोल रहा था, पर मैं दूसरे डेंटिस्ट के पास गई थी मैं, तो अभी ये वाला जो डेंटिस्ट है ये वाला अभी ओपन है बोला, और डॉक्टर भी वो में ही है, क्लिनिक में ही है,
तो चलो अब दोनों उसके क्लिनिक में चलते हैं। और बच्चे को अभी भी थोड़ा पेन हो रहा है, कितना पैरासीटामोल दूँ? सिर्फ मैंने एक ही बार दिया है अभी तक पैरासीटामोल, क्योंकि ज़्यादा खाना अच्छा भी नहीं होता है ना, तो सिर्फ एक ही बार दिया है, तो इसलिए आज पूरा फाइनल पूरा काम ख़त्म करके मुझे जाना है। तो चलो चलते हैं अभी क्लिनिक में। बादल कितना काला काला लग रहा है, मोबाइल में ब्लू लग रहा है पर ये काला एकदम, ये देखो शायद बारिश आएगा रात को, बारिश आएगा शायद। तो अभी हम रिक्शा का वेट कर रहे हैं, कौन सा रिक्शा से जाएं, रिक्शा भी नहीं आ रहा है। हाँ ये है क्लिनिक, इसको डर लग रहा है। कह रही है ताला है ये भी, तुमने भी कॉल किया था ना? हाँ। क्या इन लोग ने चेंज कर लिया क्या जगह? हाँ। तो डॉक्टर ने बोला जगह चेंज कर लिया है, तो अभी फिर से हम उसी जगह में चल के जा रहे हैं। हाँ क्या क्या होता रहता है हमारे साथ। इनका शिफ्ट कर लिया क्लिनिक को। ये रहा, ओह माय गॉड, ये होगा। हाँ लोग क्लिनिक में आ गए हैं, तो अभी हो रहा है, हम लोग लाइन पे हैं। सो चैम्बर से हम लोग निकले हैं और ये सब दवाई, इतना सारा दवाई लिख के दिया है, तो अभी चलो दवाई खरीदने चलते हैं। यहाँ पर हम ये डेली मार्ट पहुंचे हैं। तो कह रहे आइटम नहीं है, वही आइटम खत्म। क्या वेज आटा, वेज आटा ले या ऐसा नॉर्मल वाला आटा ले? ये वाला ले। ओ कुछ भी नहीं है, ये तो पूरा खाली है। बिस्किट वगैरह, चोको पाई, पूरा खाली। ये देखिए टॉप एक टॉप बिस्किट ले चलती है, ये वाला 50-50 चटपटा स्पाइसी हॉर्लिक्स। सो गाइज हम लोग घर भी पहुंच चुके हैं और पहुंचते पहुंचते अभी देखो 9 ही बज गया है पूरा रात का। तो बच्ची का जो अपडेट है दांतों का, वो ये है कि डॉक्टर ने फिलअप ही नहीं किया है। अब समझ में नहीं आता, कोकराझर के डॉक्टर, उधर के डॉक्टर बोलते हैं फिलअप करना चाहिए, अब इधर के डॉक्टर बोल रहे हैं फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग बिना फिलअप किए ही आ गए हैं और मेडिसिन दिया है, 5 दिन का कोर्स है, तो उस मेडिसिन को देखते हैं। ये मेडिसिन देने के बाद डॉक्टर ने बोला है कि और दर्द नहीं होगा है, तो लेट्स सी होता है कि नहीं होता है, तो है ना गुदो। और बच्ची डर भी रही थी फिलअप करने से पहले, बच्ची को डर लग रहा था, उसको लग रहा था कि उसका फिलअप होगा, पर जबकि किया ही नहीं। गाइस अभी रात के 10:30 बज गए हैं और बच्ची को भी मैंने दवाई ववाई खिला दिया है। सो आज का जो व्लॉग है मैं इतना ही रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।